नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया के गढ़वार स्थानीय कस्बा स्थित शिव शक्ति मंदिर पर रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यांग असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी शंकर भारती द्वारा 501 लोगों को पहले भोजन कराया, उसके बाद खाद्य सामग्री और कंबल देकर विदा किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रापए के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा कि मकर संक्रांति पर दान देने की प्रथा है। दिव्यांग असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुनित कार्य होता है। गरीबों की मदद करना साक्षात ईश्वर की पूजा करने के समकक्ष है। भीषण ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। विशिष्ट अतिथि पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गद्दर राम ने कहा कि जरूरतमंद और असहाय लोगों को ऐसे मौसम में सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। इस अवसर पर कवि बब्बन सिंह बेबस, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, विकास गुप्ता, संजय सैनी, आकाश गुप्ता, संदीप गुप्ता, राजा जय प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अंजनी गुप्ता ने किया। न्यूज नाइन भारत के लिए कृपा शंकर दुबे की खास रिपोर्ट। और आप सभी को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, शास्त्रों में लिखा है विधानसभा कुछ पूर्ण नहीं होता है, पूरे प्राप्त करने से तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन दान और भी अवदान जो समाज के असहाय और निराश्रित लोग हैं, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मित्रों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आज कार्यक्रम दूसरा है, इसलिए कंबल वितरण और आपके बीच अनावश्यक मैं विवाद नहीं बनना चाहता। हम पुनः एक बार श्री शक्ति मंदिर में स्थापित सभी देवताओं देवी देवताओं को ओरसा नमन करता हूँ और आयोजक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस साल यह आयोजन किया गया है, प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है, यही प्रभु से मेरी कामना है। धन्यवाद। जय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।